व्यक्ति का कारोबार कहाँ से चल रहा है, कौन चला रहा है इस कारोबार को, कैसे चला रहा है कारोबार, कितने का है कारोबार, कौन कौन शामिल है इस कारोबार में, कहाँ से कहाँ तक पहुँचा ये मटका, कैसे पहुँचा, इन सारे प्रश्नों का उत्तर मिलेंगे आज हमारी इस खास पेशकश में। भारत देश में मटके की माया वही जाल को सबसे पहले रतन खत्री नाम का शख्स साल 1968 में इंग्लैंड से लेके आया था। 1968 में रतन खत्री ने वर्ली मटका सट्टा को अपना नाम रतन देकर कारोबार की नींव रखी थी। 1971 में जब यह मटका कारोबार सरकार की नज़र में आया तब देश में कांग्रेस की सरकार थी और तब की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने रतन खत्री को जेल भेजा था, लेकिन मटके का कारोबार फिर भी चालू रहा। 1968 से 1997 तक बैकहॉफ मटका अपना जादू पूरे देश में चला रहा था। धीरे धीरे मटका करोड़ों से अरबों उगलने लगा। शायद सरकार और पुलिस भी इस मटके को आरक्षण देने लगी थी। सूत्रों से परफेक्ट माहिती मिली है, ये मेन मुंबई का अंदर के आदमी ने हमें इंफॉर्मेशन दिया है कि ये पूरा मेन मुंबई बाजार का जो सट्टा मटका है उसमें से अमुक भाग अंडरवर्ल्ड में भेजना पड़ता है, अंडरवर्ल्ड में से दुबई भेजना पड़ता है, दुबई से कराची में जाता है और कराची में से आतंकवादी तक पैसा पहुंचता है। ये मटका का जुआ का पैसा, अब देखिए कि इतना बड़ा अरबों उगलने वाला ये मटका, ये सट्टा मटका पुलिस और सरकार की नज़र में क्यों नहीं आ रहा है वो अभी तक पता नहीं चलता। 50 साल से ये चलता है ये मटका का, 1968 से, लेकिन अभी तक किसी राजकारण वाले ने या किसी पुलिस के नज़र में क्यों नहीं आता कि ये बड़ा मटका है, बड़ा जुआ है। जब ये पता चलेगा MP पुलिस को कि बहुत बड़ा जुआ है तब वो शायद स्टेप ले सकती है। अच्छा, MP में गया तो MP ने 2-3 आदमी को मैंने पूछा कि भाई यहाँ था ऐसा मटका वो जुआ चलता है, तो बोलता है कि मुरली मऊ ने हमको बोला है कि मैं 25 लाख पुलिस को देता हूँ, ऊपर तक मैं पैसा देता हूँ, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा। अब ये बात मुरली मऊ सारे वहाँ पे गांव वाले को, शहर वाले को, अपने आसपास में रहने वाले को सबको ये बताता है, इसलिए मुरली मऊ से सब लोग डर गए कि भाई ये मुरली मऊ ऊपर तक पैसा देता है, अगर बातमी देना जाएंगे, इंफॉर्मेशन देंगे तो ये हमें मार डालेगा, मर्डर कर देगा, ये सब ऐसी उसकी डॉन की दहशत वहाँ पे है। इसलिए शायद पुलिस को अभी तक पता हो या ना हो, वहाँ के पॉलिटिकल को पता हो ना हो, ये कुछ कह नहीं सकते हैं। मगर आज भी वहाँ से मटका खुलेआम चल रहा है, बेखौफ चल रहा है। इस मुरली मऊ को ना पुलिस का खतरा है, ना खौफ है, ना पॉलिटिकल का खौफ है। बिंदास वहाँ पे बॉम्बे के 6 आदमी ने बिठाया है और बिंदास मेन मुंबई बाज़ार खोल रहा है। साथ में ऐसा भी इंफॉर्मेशन मिली है वहाँ से कि MP के जो बड़े बड़े क्रिकेट सट्टा का जो बुकी है उसको भी आरक्षण दिया है ये मुरली मऊ ने। मुरली मऊ का पहला था छोटा छोटा धंधा चला रहा था, वो 2-3 शहर में मिलके छोटा छोटा अड्डा चला रहा था मटके का, छोटा छोटा क्रिकेट सट्टा। अभी क्या है कि वो धंधा उसने सब बंद कर दिया क्योंकि बड़ी बड़ी रकम आने लगी मेन मुंबई बाज़ार में से, 1 करोड़ हर महीने। फिर जो बड़े बड़े बुकियों को आरक्षण दे रहा है, प्रोटेक्शन दे रहा है, प्रोटेक्शन मनी लेकर उसको बिठाता है अपनी जगह पर, उसकी भी आवक चालू हो गई, तब उसको छोटा धंधा चलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस तरह अब मुरली मऊ बहुत आगे बढ़ रहा है और ये उसकी जो आगे बढ़ने की जो दौड़धाम है वो कहाँ तक पहुँचती है, इसका रंग क्या लाती है, कभी ना कभी ये MP पुलिस को और MP के पॉलिटिकल को प्रॉब्लम खड़ा करेगी। मायावी मटके से चल रहे इस अरबों के कारोबार पर अब पप्पू सावला की नज़र पड़ी थी। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पप्पू सावला सन 1990 में मुंबई के ग्रैंड रोड पर स्थित ड्रीमलैंड सिनेमा के पास खुद का वीडियो गेम पार्लर चलाता था और साथ साथ इस मटके की दलाली भी करता था। सन 1997-98 में पप्पू सावला ने अंडरवर्ल्ड के जरिए सट्टे मटके का पूरा कारोबार रतन खत्री के हाथ से निकलकर पप्पू सावला के हाथों में जा पहुंचा था और उसने वही कारोबार का नाम बदलकर मेन मुंबई बाज़ार रख दिया था, जो आज भी मेन मुंबई बाज़ार के नाम से रोज़ चल रहा है। मेन मुंबई बाज़ार रोज रात के 9:40 और 12:15 को आज भी खोला जाता रहा है। आज भी मटके कारोबार से अरबों रुपए कमाए जा रहे हैं और वह पैसे अंडरवर्ल्ड तक पहुंचाए जा रहे हैं।
पप्पू सावला अपना कारोबार महाराष्ट्र के यवतमाल से पूरे देश में चला रहा था। यवतमाल में पप्पू सावला के अड्डे पर पुलिस के द्वारा छापा मारने के बाद पप्पू सावला ने अपना पूरा मायावी मटके का कारोबार शादा के नंदूरबार से चलाना जारी किया। मायावी मटका अब करोड़ों नहीं अरबों उगल रहा था। उस वजह से स्थानीय पुलिस का भी आरक्षण पप्पू सावला को मिलने लगा था। लेकिन अरबों का कालो कारोबार छुपाने से छुपने वाला नहीं था कि पूरे देश में चलाया जा रहा मायावी मटके और सट्टे का काला कारोबार नासिक से संचालित किया जा रहा है। फिर मैंने उसका पता लगाया कि कहां से ये चलता है, तो पहले मैं गया नासिक और नासिक में इंफॉर्मेशन लिया, तो नासिक में चल रहा था। तो वहाँ नासिक में आईजी साहब को मैंने बोला कि ऐसा ऐसा है, तो नासिक में रेड पड़ा और कुछ आदमी रात को 10-11 बजे पकड़ा, फिर वहाँ केस बना, वापस आ गया। नासिक के आईजी को पप्पू सावला के काले कारोबार का पता चला, तब तुरंत ही नासिक आईजी ने इसके खिलाफ कार्यवाही की और मेन मुंबई बाजार सट्टे का काला कारोबार नासिक में बंद करवाया था। लेकिन पप्पू सावला और अंडरवर्ल्ड अरबों उगलने वाला मायावी मटके का कारोबार बंद करना नहीं चाहते थे, इसलिए इस पूरे कारोबार को अब नासिक से गोवा में लाया गया। गोवा में बीजेपी गवर्नमेंट होने के कारण ज्यादा दिन नहीं टिक सका। गोवा के आईजी जयसपाल सिंह और आईपीएस कार्तिक कश्यप के नेतृत्व में पप्पू सावला के अड्डे पर छापा मारा गया था। पुलिस ने अड्डे पर से लाखों रुपए बरामद किए और साथ ही में पप्पू सावला के 29 आदमियों को गिरफ्तार किया गया। फिर वहाँ से गया गोवा और गोवा में बहुत सारे लाखों रुपया पुलिस ने बरामद किया। वहाँ के आईजी साहब को मैंने इंफॉर्मेशन दिया, लाखों रुपया पकड़ा और साथ में 29 आदमी को पकड़ा, फिर वहाँ से मैं पकाया। मायावी मटके का काला कारोबार चलाने के लिए पप्पू सावला मुंबई के काशी मीरा रोड पर आए हुए अपने दूसरे ठिकाने पर वापस जा पहुंचा था। सट्टे मटके का कारोबार का पता फिर एक बार सूत्र से पता चला था। सूत्र से प्राप्त हुई सूचना के अनुसार वर्ली मटके का मेन मुंबई बाजार का कारोबार गोवा से मुंबई लाया गया था। मिली सूचना के मुताबिक बात सही थी। मुंबई आईजी नवल बजाज ने नेतृत्व में काशी मीरा रोड पर आए हुए पप्पू सावला के अड्डे पर छापा मारा गया। बस से पप्पू सावला के 28 आदमियों को गिरफ्तार किया गया था। फिर वापस बॉम्बे आया, फिर बॉम्बे में मीरा रोड पे काशी मीरा रोड की इंफॉर्मेशन मिली, तो वहाँ काशी मीरा रोड पे पप्पू सावला जो है ये मालिक है, ये मेन मुंबई बाज़ार मटके का मेन मालिक है, तो उसी के फार्म में मुंबई में उन्होंने ऑफिस बनाई, वहाँ से चल रहा था, वो इंफॉर्मेशन मिली। फिर वहाँ के बॉम्बे के आईजी साहब को मैंने बताया कि ऐसा ऐसा इधर चल रहा है, तो उन्होंने वहाँ रेड की, 28 आदमी को पकड़ा, पप्पू सावला के 28 आदमी को पकड़ा। अब पप्पू सावला को अपना कारोबार संभालना मुश्किल हो रहा था, पर वो अरबों रुपए का कारोबार बंद करना नहीं चाहता था, इसीलिए अपना काला कारोबार चालू रखने के लिए पप्पू सावला फिर से एक बार गोवा जा पहुंचा। गोवा में से छुपकर रात को खुलने वाले मेन मुंबई बाजार का कारोबार चलाने लगा, लेकिन एक बार फिर वहाँ ज्यादा दिन नहीं टिकना मुश्किल साबित हुआ था। गोवा के इस गांव से चलाए जा रहे मटके सट्टे के बारे में गोवा पुलिस को सूचना मिलते ही पुलिस ने छापा मारा था। गोवा के उस गांव के अड्डे पर से पुलिस ने 5 आदमियों को गिरफ्तार कर लिया था। सूत्रों से मिली जानकारी मुजब पप्पू सावला, उसका लड़का विरल सावला, उसका भाई जय सावला और दूसरा एक है जय शाह, ये सब लोग मेन है। और वहाँ से मुंबई से फिर वापस ये लोग गोवा गए और गोवा में फिर चलने लगा। फिर गोवा के आईजी साहब को मैंने बताया कि फिर से आपके वहाँ आया है सर, देख लीजिए। फिर वहाँ रेड की, 5 आदमी पकड़ा और बाकी के सब लोग जंगल में भाग गए और बाकी के लोग भाग निकले में सफल हुए थे। गोवा से भागकर पप्पू सावला और उसके साथ ही पौंडा और कुडाइम के जंगल में जा चुके थे। पप्पू सावला और उसके साथ ही पूरी रात जंगल में छिपे रहे। यवतमाल, शहदा, मुंबई और दो बार गोवा से भागे जाने के बाद अब कहां से मेन मुंबई मटके का कारोबार चलाया जाए, ये पप्पू सावला के लिए सबसे बड़ा सवाल था। जंगल में छुपे हुए पप्पू सावला ने मध्य प्रदेश के नामांकित डॉन मुरली माँ से बात की और अपनी मुश्किलें बताई। मुरली माँ के भी सीधे संपर्क अंडरवर्ल्ड के साथ होने की संभावना है। पप्पू सावला ने
मुरली मऊ को प्रतिमाह 1 करोड़ देने का प्रस्ताव रखा, जो मुरली मऊ ने स्वीकार कर पप्पू सावला को मटके का कारोबार को अपने इलाके में आरक्षण दिया। सालों से चला आ रहा अरबों का कारोबार अभी मुरली मऊ के आरक्षण में मध्य प्रदेश के धामनोद शहर से चलाया जा रहा है। अब ऐसा हुआ कि अब पप्पू सावला को टेंशन हो गया कि ये बाजार मैं कहाँ से चलाऊंगा। तब उसको अपना फ्रेंड याद आ गया, अपना मित्र एमपी में जो है मुरली मऊ नाम का, उसको उसने फोन लगाया कि भी ऐसा ऐसा है, मेरा आदमी गोवा में फिर से रेड पड़ी, वहाँ से भाग गए जंगल में, अब मैं एमपी में बेचता हूँ। मुरली मऊ ने बोला उसको कि मुझे क्या फ़ायदा। तब जाके उसके दोनों के बीच में सौदा हुआ, सूत्रों से मिली जानकारी मुझे कि 1 करोड़ में सौदा हुआ कि पर मंथ 1 करोड़ रुपया मैं दूंगा, मेरे आदमी को वहाँ एमपी में तेरी जगह पे बिठा, आरक्षण दे, प्रोटेक्शन दे। इस तरह 1 करोड़ में प्रोटेक्शन मनी का तय हुआ। फिर सब लोग जंगल में से सीधी ट्रेन पकड़ के वो लोग चले गए एमपी। एमपी में गए और वहाँ मिले मुरली मऊ से, और वहाँ से अभी चालू हो रहा है, खुल रहा है। अभी बात यह है कि यह मटके का बहुत खतरनाक जुआ है, जो पुलिस जैसे सहमति है कि बहुत छोटा जुआ है, लेकिन यह जुआ में लोग अफ्रीका से, पूरे हिंदुस्तान में से, दुबई से, हर कोई इंसान, बड़े बड़े व्यापारी, छोटे छोटे रिक्शा वाले, साइकिल वाले, गरीब साग भाजी वाले, ऐसे लेकर महलों तक लोग पैसा लगाते कमाने के लिए। कभी 1 रुपये का 10 रुपये मिलता है, 100 रुपये का 1,000 मिलता है, कमा लेते हैं। इस तरह ये जुआ छोटा जुआ नहीं है, ये सट्टा मटका जुआ कोई छोटा जुआ नहीं है, लेकिन पुलिस इसको समझती है ये छोटा जुआ है, इसलिए इसको चलने देती है। बाद में पुलिस को पता चलता है कि ये छोटा मोटा जुआ नहीं है, कि ये छोटा मोटा मटका नहीं है, ये बहुत बड़ा अरबों रुपया इस पर लगता है। पहले बाज़ार मुंबई बाज़ार का पहला बाज़ार में 3 करोड़ का व्यापार, कम से कम 3 करोड़ से ज़्यादा होगा, लेकिन मेरे हिसाब से 3 करोड़ का व्यापार होता है। और दूसरा रात को 12 बजे जो बहुत लेट खुलता है 12:15 बजे, इसलिए उसमें 1 करोड़ का होता है, यानी हर रोज का 3 से 4 करोड़ का कम से कम व्यापार होता है। उसमें से 80% पप्पू सावला मेन मुंबई वाला मालिक रखता है और 20% पब्लिक को देता है, ओनली फॉर 20%। और पहले ज़माने में क्या था कि 20% लेते थे रतन खत्री, और बाद में 80% पब्लिक को देता था, ईमानदारी से चलता था। लेकिन ये पप्पू सावला ने रतन खत्री अंडरवर्ल्ड का सहारा लेके रतन खत्री के घन पट्टी पर रख के पूरा व्यापार उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया। अभी पप्पू सावला खुद चला रहा है, वो मालिक है। आज भी मटके का कारोबार जैसे का वैसा ही चल रहा है, रोज बाजार खुल रहे हैं और रोज करोड़ का व्यापार खेला जा रहा है। जादुई मटका प्रतिदिन अरबों रुपए आज भी उगल रहा है। सूत्रों से मिली हुई सूचना के मुताबिक मेन मुंबई बाजार से कमाए जाने वाले करोड़ों अरबों रुपए पुलिस को और अंडरवर्ल्ड को भी पहुंचाया जाता है, एवं सूचना के अनुसार ये पैसे आतंकवादियों तक भी पहुंच रहे हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर से 90 किलोमीटर दूर धामनोद शहर से अभी मेन मुंबई मटके का कारोबार चलाया जा रहा है। महेश्वर रोड पर स्थित धामनोद शहर में आई हुई मंदी के सामने वाली गली के अंदर आए हुए एक बड़े बंगले में मेन मुंबई मटके सट्टे का काला कारोबार अभी मुरली मऊ के आरक्षण में चलाया जा रहा है। पूरे देश में खुलने वाला रात का मेन मुंबई सट्टे का बाजार अभी इस जगह से संचालित किया जा रहा है। हमारे सूत्रों के मुताबिक वह काफी दिन से इस जगह पर नजर रखे हुए थे। रात के समय बाजार खुलने से कुछ देर पहले यहां पप्पू सावला, उसके साथी और मुरली मऊ को देखा गया है। सूत्रों से मिली सूचना की पुष्टि करने के लिए पूरी हिलचाल पर नजर रखी थी। धामनोद शहर में आए हुए इस बंगले से अभी मुरली मऊ और उसके साथी द्वारा मेन मुंबई बाजार का कारोबार चलाया जा रहा है। मुरली मऊ को कारोबार चलाने के लिए न तो पुलिस का और न ही सरकार का खौफ है। बेखौफ मुरली मऊ अभी मध्य प्रदेश से अरबों रुपए का मटके का काला कारोबार चला रहा है, एवं मटके से मिल रहे पैसों को अंडरवर्ल्ड तक पहुंचा रहा है। सूत्र से मिली सूचना के मुताबिक मुरली मऊ पूरे देश का हवाला संभालता है, साथ में मेन मुंबई का कारोबार भी संभालता है। आखिर क्यों हमारे देश की सरकार इस सट्टे मटके कारोबार को बंद करवाने में असफल है?
मध्य प्रदेश में अभी नई नई कांग्रेस की सरकार है। अब देखना ये है कि क्या यह नई नवेली सरकार इस सट्टे मटके को मध्य प्रदेश से उखाड़ फेंकने में समर्थ रहती है या नहीं। अब क्या हुआ कि मुझे इंफॉर्मेशन मिली सूत्र के हिसाब से कि अभी एमपी में चल रहा है, तो मैंने वहाँ पर जाँच किया तो एमपी में धामनोद जो धार जिला में आता है, मैं खुद वहाँ जाके गया, मैंने खुद देखा कि हाँ ये यहाँ पे मुरली मोल चलाता है और मुंबई से पप्पू सावला का 6 आदमी वहाँ पे बिठाता है। 2 दिन धामनोद में चलाता है, 2 दिन महेश्वर में चलाता है और 2 दिन पीतम में चलाता है। इस तरह वो चला रहा है, एमपी में से ऑपरेट हो रहा है। अब ये देखते हैं कि ये सट्टा मटका का धंधा जो है गोवा में से भगाया, गोवा में भाजपा सरकार दी तो भाजपा सरकार ने हमें सपोर्ट दिया, बॉम्बे में आईजी साहब अच्छा थे तो उन्होंने हमें सपोर्ट दिया। अभी देखते हैं मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार है और मध्य प्रदेश के आईजी और भाजपा कांग्रेस सरकार, ये दोनों हमें कितना सपोर्ट करती है ये देखने वाली बात रहती है। मैं आईजी साहब को भी इंफॉर्मेशन किया मेरी लड़की ने, और कांग्रेस का जो गृह मंत्री वहाँ पर उसको भी हमने इंफॉर्मेशन दिया है 2 दिन पहले, लेकिन अभी तक कोई वहाँ पे कोई ऐसी हलचल हमको देखने मिली नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, NS इंडिया न्यूज। मटके का जादू सालों से चला आ रहा है, देश की कई सरकार बदल गई परंतु मटके को कोई बंद नहीं करवा पाया। आखिर क्यों देश की कोई भी सरकार इस मटके को रोक नहीं पा रही? क्या इस मटके से कुछ पैसे सरकार को भी मिल रहे हैं? माया नगरी मुंबई को मटके का जन्म स्थान बोला जा रहा है। सालों से मटके का पूरा कारोबार मुंबई से चल रहा था, और सिर्फ मुंबई ही नहीं, गोवा और मध्य प्रदेश से भी पूरे देश में चलाया जा रहा था ये मटका।